दीदी मैं आ गया आज रक्षाबंधन है तो आज मैं बहुत दूर से आया, जरा मुझे भी राखी बांध दीजिए। और दीदी आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा दोस्तों से मिल के आता हूँ, तब तक आप मालूम है ना मैं हर दिन कैसा क्या क्या खाता हूँ, तो आप खिलाओगे ना आज प्यार से? ठीक है मैं आ रहा हूँ। भगवान कैसे दिन आ गए, मेरा भाई इतना दूर से आया है और इतने प्यार से कहा है कि दीदी मेरा फेवरेट बना कर रखना, मैं कैसे बनाऊं? मेरी तो वैसी है भी नहीं हालत, उसको बासमती राइस पसंद है और मेरी हालत नहीं है कि मैं लेकर आऊं बासमती राइस, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। दीदी अभी तक आप बैठे ही हुए हो, क्या आप भूल गए हो क्या मैं क्या खाता हूँ? नहीं भूल गया हूँ, याद है। अच्छा ये लीजिए आपका रक्षाबंधन का गिफ्ट, और जल्दी बताइए कि आपको कैसा लगा। भैया दीदी मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए, मैं सब समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूर चला गया हूँ तो फिर सब भूल गया हूँ आपके बारे में। ऐसे कैसे भूल जाओगे, मुझे सब पता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि दीदी को क्या जरूरत है क्या नहीं, छोटे से बड़ा किया है। ऐसे कैसे? आप ही की वजह से तो मैं आज इतना बड़ा आदमी बना हूं, इतना बड़ा काबिल हुआ हूं। ये कॉन्टैक्ट है, मशीन गाड़ी में रखी हुई है, इसमें आपको 10,000 मिलेगा महीने का जी। बस आपको बच्चों का कपड़ा सिलना है। इसकी बहुत जरूरत थी मुझे, सच कहो तो जी दीदी बिल्कुल बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच भाई। इसलिए आप ये क्यों रो रहे हो? अब मैं सब समझता हूँ दीदी, अगर आकर आती हूँ तुम्हारे फेवरेट। आप हाँ काफी दुबले हो गए हो, खाते को नहीं मिलते क्या? तो इतने दुबले हो गए हो अभी, तुम्हारा फेवरेट तुम्हारा बासमती राइस। आप जो प्यार से बनाओगे मैं खाऊंगा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, आपका फेवरेट बनाऊंगी, अभी जा रही हूँ मैं बनाकर आती हूँ, बस यहाँ पे रहना। आप